वो लड़का यहाँ पे क्यों नहीं बैठा हुआ और हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। मैंने कहा तुम्हें लगता है क्या ये किस्मत है, तुम्हें क्या लगता है ये मेहनत है, तुम्हें क्या लगता है कि ये लिखा हुआ ऊपर से आया। मैंने कहा अगर लिखा हुआ आया है तो हम कमरे में क्यों नहीं बैठ जाते और एक कमरे में बैठ कर करते। मैंने कहा यह तुम्हें लगता है इट इज़ अ मजमुआ ऑफ ऑल ऑफ दिस, मेहनत, किस्मत एंड दुआ, दुआ भी उसने कहा था। सो व्हाट डू यू थिंक। बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है लेकिन मुझे लगता है इसका जो जवाब है वो किस्मत है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मैं अपने अम्मी अबू के घर पैदा हो गई और वो लोग उन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की। जिंदगी थ्रू आउट किस्मत कह रही हो? नहीं नहीं, ज़िंदगी थ्रू आउट किस्मत नहीं कह रही, मेहनत मेहनत है, मेहनत बहुत है। एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, तीन चार होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक जो है वो ज़िंदगी में बहुत आगे पहुँच जाता है, बाकी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मेरे ख़्याल से उसकी मेहनत भी होगी बीच में कहीं ना कहीं, उसकी स्ट्रगल्स भी होंगी बीच में कहीं ना कहीं, लेकिन एक सेकेंड, एक मेहनत नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो मेहनत नहीं करते, उनका लक निकल जाता है, चांस निकल जाता है, कर लेते हैं। 100 में से 1 होगा, 1% होंगे हुमायूं, लेकिन तो है ना? मेहनत का आपको कभी ना कभी सिला मिलता ही है। मैंने कभी किसी की मेहनत रायगा जाते हुए नहीं देखी। Agreed. मैं हाँ। तो देखो मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ। लेकिन जो आपने सवाल पूछा था ना कि हम उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और वो बच्चा उस रेस्टोरेंट में नहीं बैठा हुआ और वो जो है वहाँ पर काम करने के गर्ज से आ रहा है, तो उसकी जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है किस्मत है कि आप वहाँ तक पहुँच गए, वो बेचारा नहीं पहुँच सका। उसकी रीज़न मैं रीज़न बताती हूँ। हो सकता है कि उसके बच्चे किसी ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हों जहाँ आपके भी बच्चे बैठे हुए होंगे, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करेगा, उस चक्की में पिसेगा ताकि उसकी जो नेक्स्ट अच्छा, जनरेशन है वो उस चक्की में ना पिसे। कुछ लोग बहुत सारे लोग ग्रास रूट से इतनी मेहनत करते कि एट द एंड दे गेट एवरीथिंग। मैं यही कह रही हूं ज्यादा अब और फिर अच्छा बड़े मजे की बात है। हेलो जैन, गुड मॉर्निंग। क्यों देख रही हो? कैसी हैं आप? मैं आपको क्यों गौर से देख रही हूं? इसलिए कि आज आपके बाल बहुत घने लग रहे हैं। How dare you? आज आपने ऐसा क्या किया है कि आपके बाल घने लग रहे हैं? Thank you so very much. That is very observant of you.